वहीं ग्राम सभा के बिना किसी भी पंचायत में कोई भी विकास कार्य करवाना संभव नहीं है। ये बात मंडी जिला के विकासखंड सुंदरनगर के खंड विकास अधिकारी विवेक चौहान ने कही है। विवेक चौहान ने कहा कि पंचायतों के विकास के लिए ग्राम सभा में लोगों की सहभागिता अधिक से अधिक होना आवश्यक है। ग्राम सभा में आकर लोग स्थानीय विषय पर सामूहिक रूप से चर्चा कर सकते हैं, इसीलिए क्षेत्र के विकास के लिए ग्राम सभा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। ग्राम सभा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे पंचायती राज सिस्टम का, जबकि बल्कि मैं ये बोलूं कि हमारी कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है ग्राम सभा के बिना अधूरी है। ग्राम सभा को हमारे संविधान में वो दर्जा दिया गया है कि ग्राम सभा जो है वो हृदय का रूप दिया गया है उसको, उस क्षेत्र का, जहां पे सभी लोग आके अपनी व्यापक चर्चा कर सकते हैं, किसी विषय पर अपने एरिया के लिए प्लान बना सकते हैं और बाकी अन्य प्रकार के जो भी इश्यूज हैं उनको सबको कैटर कर सकते हैं। तो ग्राम सभा का मजबूत होना अपने आप में बहुत जरूरी है ताकि उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा प्लान बन सके, वहां के लोगों की क्या जरूरतें हैं, कौन किस चीज के लिए डिजर्व करता है, वो सब खुल के आ सके। लोगों से यही अपील रहेगी कि ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर भाग लें और वहां जो उठने वाले इश्यूज हैं उन पे व्यापक चर्चा करें और चर्चा करने के उपरांत किसी निर्णय पे पहुंचकर हायर अथॉरिटीज के पास पहुंचे ताकि उन पे एक्शन लिया जा सके। भारत सरकार के द्वारा की जो स्कीम्स हैं, जैसे हमारा वित्त आयोग है या मनरेगा है, वो रहता है। उसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के माध्यम से जो विधायक निधि या सांसद निधि, उनके माध्यम से समय समय पर जो फंडिंग रहती है, जैसे जैसे हमारी स्कीमें आती रहेंगी वो फंड बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे वो फंड कम भी होता रहेगा।